Good evening to all of you. This is the topic for 9th class and it is the very important topic for 9th class student. It will help you to how to we use of singular and plural subject and verbs. It will help you in grammatical portions. Okay, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि subject verb agreement होता क्या है. देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यदि किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है, इसका दूसरा नाम सिंटैक्स भी है. इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं. यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. ओके, इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद हमें देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट में यू, ही, सी, इट, ठीक है, किसी का नाम, द बॉय, द गर्ल. अब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट्स में, प्लूरल सब्जेक्ट्स में अब यहाँ पे देखिए वी, यू, दे, ठीक है, राम एंड श्याम, राम एंड मोहन, द बॉयज, द गर्ल्स. ठीक है, यानी जो बहुवचन होते हैं एक से ज़्यादा और इसमें ओनली एक ही. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये एकवचन, ये बहुवचन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यू इसमें भी आया सर और यू इसमें भी आया, दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है और प्लूरल में, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल ही यूज की जाती है. उसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब am, is, was, has, does, write, drinks, reads, इधर है, are, were, have, do, write, और drink, read. अब इसमें as का यूज क्यों हुआ, इधर as का यूज क्यों नहीं हुआ. तो इसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ as, is को यूज किया जाता है, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में as, is का यूज नहीं किया जाता है. इसलिए इसमें write, ड्रिंक और रीड दिया गया है, इसमें राइट्स, ड्रिंक्स और रीड्स दिया गया है. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे नाउन प्लस एस या ई एस या आई एस. अगर ऐसा दिया गया है तो ये क्या होता है, प्लूरल. ठीक है, अगर यहाँ पे होता है वर्ब प्लस एस ई एस प्लस आई एस तो ये क्या होता है, सिंगुलर. ठीक है, हमारा सिंगुलर वर्ब होता है. अगर ऊपर ये दूसरा है नाउन प्लस एस या ई एस प्लस आई एस तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया. ठीक है, क्लियर. नाउन के साथ एस ई एस आता है तो प्लूरल नाउन, और वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस आता है तो सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट रूल है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल है हमारा, मोहन वॉज ऑलवेज लेट. अब यहाँ पे मोहन है हमारा सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमने वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज किया. ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है, ये टाइम शो कर रहा है और लेट रहता है. तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. आपको देखना है कि सिंगुलर नाउन है मोहन, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. एंड नेक्स्ट, मोहन वर ऑलवेज लेट. तो दैट इज द, ये करेक्ट है इनकरेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये रॉन्ग है. ठीक है, क्यों है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम, ये सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही. अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होता जैसे मोहन एंड सोहन होता तो हमारा जो वर है ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे मोहन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर कैसे आ सकता है, यहाँ पे हो जाएगा. तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है लेकिन इसके साथ सिंगुलर व प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, क्यों होता है. देखिए, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आई
एक ही इंसान को शो कर रहा है, ठीक है। एम सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ए साइकिल। तो यहाँ पे ये यह अधिकार दिखा रहा है, ठीक है, कि मेरे पास एक साइकिल है। लेकिन यहाँ पे हैव आया, आई के साथ इसमें एम का यूज होता है। एम का यूज क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें हैव नहीं होता है, इसमें इज एम आर होता है। तो इसमें एम का यूज होता है आई के साथ, और दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हियर वी यूज़ हैव, ठीक है। और लेकिन हैव क्या होती है? प्लूरल वर्ब। तो इसमें एक इंसान है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये अधिकार शो कर रहा है, और इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हैज हैव होता है, और आई के साथ क्या यूज होता है? हैव, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें कहा गया कि आई के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यू। अब देखिए यू, मैंने बोला था कि जो हमारा यू है, ठीक है, उसके साथ हम यू का जो यू होता है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल यूज की जाती है, ठीक है। तो यू का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो एक ही है, और इसके साथ वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है प्लूरल, बताइए। दिस इज द प्लूरल वर्ब, ठीक है, नॉट सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसमें एक ही विद्यार्थी है, यू आर ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, सॉरी, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। तो इसमें इसका यूज हुआ यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, सिमिलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट है यू आर इंजीनियर्स, ठीक है, तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब इंजीनियर एक तो नहीं है, बहुत सारे, ठीक है, इंजीनियर्स एस लगा है, तो तुम लोग इंजीनियर्स हो, ठीक है। तो इसमें प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट। अभी नेक्स्ट देखिए, यू आर प्लेइंग, तुम लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ओके, क्लियर। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अगर यहाँ पे वो हो जाता तो गलत। अभी नेक्स्ट है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, तो ये सिंगुलर सब, ठीक है, तो ऐसे यूज होता है। जैसे आई है तो आई के साथ तो यूज हो सकता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है, क्लियर, ओके, हैव ए गुड डे।